बात पुरानी है, एक कहानी है। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं। हेलो दोस्तों, मैं कैफुल्ला आजमी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कैफुल्ला ब्लॉग। तो आज हम लोग आ चुके हैं एक नए जगह पे, टूर पे। और जो हमारे साथी हैं, हमारे जाकिर सर हैं, नरेश सर हैं, शहरुल जमा सर हैं, हमारे HM सुषमा जी हैं और खुर्शीद सर हैं, अतुल कुमार मिश्रा जी हैं। सारे लोग जो हैं हम फिर से निकल चुके हैं एक नए टूर पर, क्योंकि आज हम लोगों की छुट्टी है। तो हम लोग सोचे क्यों ना एक नए टूर पे आपको ले जाया जाए। तो चलिए आज दिखाते हैं, आज हम अभी जो पहुँचे हुए हैं। आपको पता होगा, आप पीछे जो है प्रतिमा देख कर ही पता लगा चुके होंगे कि कौन है। तो आपको बताते चले कि ये जो है मांझी द माउंटेन मैन के नाम से जब मशहूर है दशरथ मांझी जी की समाधि के पास हम लोग आ चुके हैं। तो ये चलिए आपको घुमाते सारी चीज़ें क्या क्या यहाँ पे है और कैसे कैसे हैं। तो चलिए सर आगे दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारे, ये देखिए नरेश सर हैं हमारे। हाँ, तो हमारे हमारे जाकिर सर मुस्कुराते हुए जी। ये हमारे शहरुल जमा सर, ये शहरुल जमा सर हैं। और ये हमारे अतुल कुमार मिश्रा जी हैं जो अभी कैमरा पकड़े हुए थे। तो आपको दिखाते हैं सारी चीज़। देखिए इधर कितना खूबसूरत लग रहा है, गार्डन जो है बनाया हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं आवाज़ हमारी थोड़ी सी भारी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से आवाज़ भारी है। तो आइए आपको दिखाते हैं इधर इस साइड में भी जो है बैठने के लिए लोगों का इंतज़ाम किया गया है। गार्डन है बहुत अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये हमारे जो है दशरथ मांझी जो हैं, जिन्होंने एक लंबी जो है पहाड़ को काट कर वजीरगंज और गया के रास्ते को बनाए थे। तो जिन्हें जो है इनको खिताब मिला है मांझी द माउंटेन मैन। तो ऊपर देख सकते हैं इस साइड में। और आपको हमारे जाकिर सर भी कुछ बताना चाहेंगे। जी सर, पर्वत पुरुष, इनको पर्वत पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आप देख रहे होंगे वहाँ लिखा हुआ भी है ना, दशरथ मांझी समाधि स्थल गहलौर। तो इस साइड देख सकते हैं आपको, और आगे भी हम दिखाते हैं। और हमारी जो है जो दीदी यहाँ पर देख सकते हैं। जी दीदी, ठीक है। तो चलिए आगे थोड़ा सा दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं, क्योंकि सर लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा जल्दी चीज चलिए। तो जल्दी जल्दी में हम लोग सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये इनका रियल जो है फोटो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारे मांझी द माउंटेन मैन, आप देख सकते हैं इनके समाधि स्थल। तो चलिए आपको आगे की चीज़ें दिखाते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना। तो चलते हैं यहाँ से, और फिर आपको जो है आगे क्या क्या मिलता है उनको हम दिखाते चलते हैं। चलिए अब उनके उनके पुत्र से भी हम मिलाने की कोशिश करेंगे और बात करते हैं उनके बारे में क्या क्या बताते हैं। तो आइए अब जो है हम उनसे मिलते हैं, जो उनके सपुत्र हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि उनसे भी मिलने का मौका मिला। तो आइए उनसे कुछ जान। जी सर, क्या नाम है आपका? भागीरथ। आप कौन हुए उनके? लड़के हैं। एक आप तो एक ही लड़के हैं ना, ये इनका एक ही लड़के जो आप पे फिल्म भी दे चुके हैं। और आपको बहुत बड़ा सौभाग्य कि आपको देखने को मिल गया है। कुछ बताएं उनके बारे में। सौभाग्य से इनसे देखेंगे। हाँ, कुछ बताएं अपने पिताजी के बारे में। क्या बताएं, बोलो। जैसे कि आप देखे थे बचपन में और उसके बाद फिल्म भी देखे, तो क्या लगा आपको? कैसा लगा आपको? कैसा लगा, स्वभाव कैसा था? ठीक है। तो देखिए उन लोग गर्मी, हाँ, तो भांग दिन भर में हर जगह मिल गया। पहाड़ी में लगल रहा, सबको कह दिया कि पागल हो गया। हम्म, तो उसी कर तीन गो बकरी था बाजार उजीरगंज बाजार में बेच कर छेनी हथौड़ी लगा कर ला करके और तोड़ने लगा, कहा कि पागल हो गया पागल। तो वो अपना जिद्दी आदमी था, किसी को बात नहीं रखा। तो ये पहाड़ तोड़ने का वजह क्या रहा, जो पहाड़ पूरा तोड़ने लगे?
अभी उनसे मिल रहे हैं हम लोग। कोई बाजा होगा? बाजा होगा ना पहाड़ तोड़ने का। भेंट हो गई इनसे, बड़ी बुखार जी से मुलाकात। तो हमारे पिताजी जंगल से लकड़ी लाते थे, देखते हैं बाजार में। हाँ। तो जंगल गया हमारा माई जो खाना लेकर जा रहा था, पहाड़ था दरार जी, टकरा कर घाड़ा फूट गया। अच्छा अच्छा, चोट भी लग गया। हाँ। हमारे पिताजी आया, देखा का हुआ का हुआ, तो घाड़ा फूट गया टकरा करके, खाना भी गिर गया। तो क्या चीज ले जाएंगे हम, रो रहा था बैठ कर। अच्छा। तो पूछा तो बताया, पहले दिन से सोचा कि हमारा एक पत्नी के घाड़ा फूटा संसार के कितना फूटे। अच्छा, फिल्म में दिखाया गया कि आपकी माता जी के जो है देहांत हो जाता है गिरने के बाद। ना ना, ऐसा नहीं था, वो बलाया हुआ है। अच्छा अच्छा, चोट लग गया, जानकारी लेनी चाहिए। संकल्प लिया उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, उसका संकल्प लिया। कितने घाड़ा फूटेगा, कितने? हाँ हाँ हाँ, ताकि एक घाड़ा फूट गया दूसरे का ना फूटे, ना फूटे। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए चलिए, लग गए काम में। काम में लग गया, बकरी बेच करके हथौड़ी छेनी ले लो। अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। तो चलिए, आप जो है इनके पुत्र से मिलाए थे, अब बाबा हम लोग आगे चलते हैं और आगे की सारी चीजें दिखाते हैं। तो अभी जो मिल रहे थे हमारे दशरथ मान जी के सपुत्र से जो उन्होंने काफी चीजें बताया आपको। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे की वीडियो दिखाते हैं आपको। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फाइनली अब हम उस जगह पे आ गए जिसका आपका इंतजार था। आपने दशरथ मान जी को देख लिया, आपने अब उस जगह को दिखाना है जिसका आपका इंतजार है कि कैसे बनाया गया। तो चलिए आपको वो भी चीज दिखाते हैं, आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। है उस घड़ी पे देखिए, यही वो पहाड़ है जिनको काट कर जो है एक रास्ता बनाया जो गया और वजीरगंज को जोड़ता है। उनके साहबजादे यानी पुत्र ने भी आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने जो है पहाड़ को काटे और एक पूरा करके ही जो है दम लिए। तो देख सकते हैं कितने चौड़ा जो है पहाड़, खुद एक छेनी और हथौड़ी से जो है कंप्लीट की है। तो अब देख सकते हैं, हमारे सर लोग भी इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं। ये पहाड़ियाँ जो है यहाँ पे देख सकते हैं कितनी है, और इस पहाड़ को काट कर उन्होंने इसको जो है बनाए हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी चौड़ी जो है रास्ता है, यानी ये रोड है। और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ छेनी और हथौड़ी की मदद से इसको जो है तोड़ा गया है, ना कि कोई मशीन लगाया गया इसमें, नहीं किसी तरह का कोई लोग और लगाया गया, बल्कि खुद अकेले ही इस पहाड़ को देखिए। आपको छेनी का जो है दिख भी रहा होगा, कैसे कैसे छेनी को मारा गया, देख सकते हैं आप इसको। छेनी और हथौड़ी से, एक छेनी और हथौड़ी से लगभग जो है इनको पूरा कंप्लीट कर दिए इस रास्ते को। तो आप देख सकते हैं, देखिए आप, ये वो पहाड़ है जो सबूत है छेनी और हथौड़ी का, देख सकते हैं आप। तो अभी देख रहे हैं आप हमारे पीछे जो यही पहाड़ है जिसको काट कर रास्ता बनाया गया है, आपको दिखाएंगे कि कैसे। देखिए ये देखिए कैसे छेनी से मार मार कर इसको तोड़ा गया है, और तोड़कर जो है ये रास्ता बनाया गया है। तो चलिए, आपने रास्ता देखा। हमारे शहरू जमा तो जानते हैं कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं फोटो खिंचाने के में माहिर। और जी कुछ बोलना चाहेंगे सर इसके बारे में, रास्ते के बारे में? बहुत मेहनत से बनाया गया ये रास्ता है, ये सबूत है इस छेनी हथौड़ी का। देखिए कट जी, हर इंसान के लिए कि अगर संभव, अगर ठान ले तो कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। तो हम उन लोगों को कहना चाहेंगे जो आज के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा है कि आप अगर किसी चीज़ को भी ठान लेते हैं तो उसे करना मुश्किल नहीं होता है। तो आप किसी भी लाइन में लगे हुए हैं तो उसे जो है अच्छे तरीके से करें, और जब करेंगे तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी ही। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे की वीडियो आपको हम दिखाते हैं। देखिए लोग आ रहे हैं बाहर से देखने के लिए। ये देख सकते हैं, ये पूरी जितनी दूर तक आपको दिख रहा है ना, वो सारे रोड, और ये पूरा। हाँ जी जी, सारा निशाना भी सबूत है इसमें।